पिंपल्स और मुहासों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने चाहते हैं तो ये पांच गलतियां मत कीजिए। सबसे पहले तो आपको पिंपल्स क्यों आ रहे हैं, बहुत लोगों को खाने की वजह से। अब आपको खुद देखना है कि ऐसी कौन सी खाने की आइटम है जिसको खाते ही आपको पिंपल्स आ जाते हैं। सबके लिए अलग अलग है, किसी को तला हुआ खाने से, किसी को मीठा खाने से, किसी को ड्राई फ्रूट्स खाने से, किसी को मोमोज खाने से, किसी को कोक पीने से, किसी को दूध से, किसी को चाय कॉफी से, सबके लिए अलग अलग होता है। आपको पता कैसे चलेगा? बाय ऑब्जर्वेशन ओनली। अब आपके दिमाग में मैंने ये पॉइंट डाल दिया तो आपको खुद से पॉपअप होगा, खुद से पता लगेगा कि हाँ मैं ये खाता हूं तो मुझे खाते ही पिंपल्स हो जाते हैं। तो आपको बस वो पर्टिकुलर फूड आइटम फाइंड आउट करना है जिसको खाते ही आपको पिंपल्स आते हैं और उसको खाना बंद कर दीजिए। ये एक शॉर्ट रामबाण इलाज है कि आपके पिंपल प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जैसे मुझे इन पर्टिकुलर मुझे पता है कि मैंगो और फ्राइड खाते ही पिंपल्स आते हैं। बस ये दो चीजें अगर मैं नहीं खाऊं तो मुझे पिंपल्स नहीं आएंगे, और अगर मैं इनको खाती रहूं तली हुई चीजों को और मैंगो को तो मेरे को पिंपल्स आने ही आने। तो अपना कल्प्रिट फूड आइटम फाइंड आउट कीजिए। आपको सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फाइंड आउट कीजिए किससे आपको पिंपल आते हैं, उसे फाइंड आउट कीजिए, उसे खाना बंद कर दीजिए। ट्रस्ट मी, आपकी पिंपल प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग डिसॉल्व हो जाएगी। दूसरा जो मेन कारण है पिंपल्स आने का वो है ऑयली स्किन केयर प्रोडक्ट्स। आजकल पता नहीं हम अपने फेस पे क्या क्या लगाते हैं, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, फाउंडेशन, बीबी क्रीम, ये जितनी भी क्रीम्स हैं अगर ये ऑयल बेस्ड है तो यानी कि आपने इन्होंने आपकी स्किन को कवर कर दिया, सांस नहीं लेने दिया तो पिंपल्स ज़्यादा आएंगे। ये सारी चीज़ें आपको वाटर बेस्ड भी मिलती हैं, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, आपका बीबी क्रीम, फाउंडेशन, तो आपको ये सब वाटर बेस्ड लेना है। वाटर बेस्ड यानी कि उसके ऊपर लिखा होगा नॉन ऑयली या फिर नॉन कॉमेडोजेनिक, तो आप वही यूज कीजिए। सनस्क्रीन जिन लोगों को पिंपल्स आते हैं उनको तो मैं बिल्कुल बंद करा देती हूँ, चाहे वो जेल बेस्ड हो चाहे उसके ऊपर नॉन ऑयली क्यों ना लिखा हो। देखिए सनस्क्रीन ना बहुत गाढ़ी क्रीम्स होती हैं तो वो डेफिनेटली बहुत लोगों को आजकल सिर्फ सनस्क्रीन लगाने की वजह से पिंपल्स आ रहे हैं। अगर आपको सनस्क्रीन लगाने से पिंपल्स नहीं आते देन तो गुड एनफ, आप सनस्क्रीन यूज करते रहिए। लेकिन अगर आपको सनस्क्रीन लगाने की वजह से पिंपल्स आते हैं तो प्लीज आप सनस्क्रीन बंद कर दीजिए। अगर आपको पिंपल्स आते हैं और आप सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं तो एक दो महीने के लिए उनको बंद करके देखिए और देखिए इफेक्ट उसका क्या होता है, और अगर तब भी आते रहते दैट मीन्स सनस्क्रीन के कारण नहीं है। तो इन शॉर्ट ऑयली स्किन केयर प्रोडक्ट नहीं लगाने हैं, वाटर बेस्ड स्किन केयर प्रोडक्ट लगाने हैं। जिनको पिंपल्स होते हैं उनको भी हाइड्रेशन की जरूरत है, उनको भी मॉइस्चराइजर चाहिए, लेकिन ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर नहीं, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर के ऊपर लिखा होगा नॉन ऑयली या फिर नॉन कॉमेडोजेनिक। तो तीसरी चीज आपने जो नहीं करनी है, अगर आपको पिंपल्स हैं तो सलोन फेशियल्स मत कराइए जब तक आपको पिंपल्स हैं। देखिए हम कह रहे हैं कि ऑयली कॉस्मेटिक नहीं लगाने, और वो एक ऑयली क्रीम से ही आपको 15-20 मिनट तक मसाज कर रहे हैं। बहुत लोग आके बोलते हैं कि हाँ सलोन फेशियल कराने से हमारे पिंपल्स एकदम से भर गए ओवरनाइट, होगा ही। तो अगर आपको पिंपल्स हैं तो आपने सलोन फेशियल्स नहीं कराने हैं। ये सब जो चीज़ें हैं ना कि एंटी पिंपल सलोन फेशियल, एंटी एक्ने फेशियल्स, ये सब कुछ नहीं होता है, तो इन सब के चक्रों में मत पड़िए। अगर आपको पिंपल्स हैं तो प्लीज फेशियल्स मत कराइए। तीसरा, अगर आपके लंबे बाल हैं तो ओवरनाइट ऑयलिंग मत कीजिए। ऑयल बालों के लिए बहुत अच्छा है, मैं जरूर कहती हूँ लगा, लेकिन नहाने से सिर्फ एक घंटे पहले लगाओ फिर धो डालो, बिकॉज अगर आपके ओवरनाइट पूरे बालों में ऑयल लगा हुआ है तो आपके फेस पे आएगा ही आएगा और फिर आपको अगेन पिंपल जो है फ्लेयर अप हो सकते हैं। पांचवी चीज, अगर आपके सर में डैंड्रफ है, बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, हल्का फुल्का तो स्पेशली सर्दियों में बहुत लोगों को हो जाता है, इतना ज्यादा डैंड्रफ है कि फ्लेक्स आपके फोरहेड पे आके गिर रहे हैं, अपर बैक पे आके गिर रहे हैं, तो प्लीज अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर डैंड्रफ ट्रीटमेंट कराइए, बिकॉज वो जो डैंड्रफ फ्लेक्स आपके अपर फोरहेड पे गिर रहे हैं और अपर बैक पे गिर रहे हैं तो वो भी पिंपल्स को राइज कर सकते हैं। जिनको डैंड्रफ होती है आपने देखा होगा सिर्फ फोरहेड के ऊपर पिंपल्स आ रहे होते हैं। तो ये पांच चीजों का ध्यान रखिए, मैं रिपीट कर देती हूँ, फाइंड आउट कीजिए कौन से खाने की आइटम से आपको पिंपल होते हैं, उसको फाइंड आउट कीजिए, उसको खाना बंद कीजिए, आपके जो कॉस्मेटिक्स हैं वो वाटर बेस्ड होने चाहिए, ऑयल बेस्ड नहीं होने चाहिए, और अगर पिंपल्स आते हैं तो प्लीज सनस्क्रीन इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांड मत यूज कीजिए, सलोन फेशियल्स मत कराइए, ओवरनाइट ऑयलिंग मत कीजिए, और अगर डैंड्रफ है तो उसको ठीक कराइए। सिक्स्थ जो कारण होता है पिंपल्स आने का वो होता है हार्मोनल इंबैलेंस, PCOD, स्पेशली आजकल बहुत कॉमन हो गया है। PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज सिर्फ एक लाइफस्टाइल चेंज है, दवाइयों से इसका ट्रीटमेंट नहीं होने वाला। लाइफस्टाइल में आपको ये तीन चीजें करनी है, वेट रिड्यूस करना है, हाफ एन आवर यू हैव टू मूव योर बॉडी, हाफ एन आवर एक्सरसाइज कीजिए किसी भी फॉर्म में, चाहे आप बैडमिंटन खेलें, चाहे स्विमिंग करें, चाहे योगा क्लासेस ज्वाइन करें, चाहे जिम जाएं, चाहे वॉक पे जाएं, बिकॉज PCOD में क्या हो रहा है कि जो आपकी फैट लेयर है, फीमेल हार्मोन मेल हार्मोन में फैट लेयर में ही कन्वर्ट होता है, और जैसे ही मेल हार्मोन भर जाता है फीमेल्स में पिंपल्स वगैरह आने लगते हैं।
तो एक तो वेट लॉस कीजिए, दूसरा मैदा और दूध, ये दो चीजें आप छोड़ दीजिए। तो पीसीओडी के अंदर लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, हार्मोनल इंबैलेंस को टेक केयर कीजिए, तब भी आपके पिंपल्स नहीं आएंगे। तो यानी कि पिंपल्स एक ऐसी चीज है जिसका कारण है, ये बेवजह नहीं आते, और अगर आप कारण को हिट करेंगे तो पिंपल्स को आप डेफिनेटली हमेशा के लिए गुड बाय कह सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पिंपल्स को राइट टाइम पे ठीक करें, बिकॉज अगर पिंपल्स बहुत लंबे टाइम तक आपके फेस पे रहा, और स्पेशली अगर आपने उसको फोड़ दिया ना कौन से, या आपने उसको पिंच कर दिया, तो वो गड्ढे या फिर ब्लैक या रेड मार्क्स छोड़ जाते हैं जिनको बहुत मुश्किल हो जाता है ठीक करना। तो जितने लंबे टाइम तक पिंपल आपके चेहरे पे रहेगा, उतना ज्यादा चांस आपने पिंपल को दे दिया, उतना ज्यादा टाइम आपने पिंपल को दे दिया कि स्किन को डिस्ट्रॉय करके जाए, तो उतना ज्यादा चांस है कि वो मार्क्स या गड्ढे छोड़ के जाएगा। तो नया पिंपल जैसे ही आए उसको इन सब चीजों से या तो आने से ही बंद कर दीजिए, और अगर आ जाए तो डॉक्टर की दी हुई क्रीम से उनको जल्दी ठीक कर दीजिए, ताकि वो मार्क्स और गड्ढे ना छोड़ के जाए। और पिंपल्स को कभी भी फोड़िए मत, नहीं तो पक्का से वो गड्ढा छोड़ के जाएगा। तो ये कुछ चीजें फॉलो कीजिए। आपका स्किन और हेयर से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाकर उनका आंसर करने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।